रही बात जीटीए नोटिफिकेशन, मैंने कल सुना कि शायद उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है। अब मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जीटीए न कभी हमारा विषय था न कभी ये हमारा विषय रहेगा। और आज ममता दीदी बुलडोजर चला करके गोरखाओं के ऊपर में अन्याय करके जीटीए चुनाव कराना चाहती है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जहां तक जीटीए का सवाल है, ये कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। कोई चुनाव ऐसे होता है क्या जिसके कम से कम जो कॉलेज के चुनाव होते हैं उसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो होते हैं, या एक जो है एसडीओ बैठ के चुनाव करा लेता है और घोषणा कर देता है और चुनाव वोट डालने के बाद 3 दिन तक जो है पता नहीं चलता कहां जाके काउंटिंग होगा, कौन उसको खोलेगा, कौन एजेंट होगा। सो ये सब जो है छलावा है। मैं इतना ही कहता हूं जीटीए चुनाव न हो करके ये गोरखाओं को दोबारा से एक बार खरीदने के लिए ये टेंडर प्रोसेस है, और जो भी बिकने के लिए तैयार है मुझे लगता है उसके लिए इस टेंडर में भाग लेना चाहिए। जो नेता बिकने को तैयार नहीं है या जो जाति को खड्डे में नहीं डालना चाहता मुझे लगता है उसको विरोध में खड़ा होना चाहिए। और भले ही हमारा शत्रु हो, हमारा मित्र हो, कोई भी हो, जाति के साथ गोरखाओं के साथ खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी दोबारा निवेदन करता हूं, आपको 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो आप पंचायत चुनाव कराओ, किसने रोका है? आप महकमा परिषद करा सकते हो लेकिन दार्जिलिंग में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते। और अब तक 2000 से लेकर के 22 तक 2200 करोड़ रुपए का घाटा और विकास के काम नहीं हुए हैं। अगर उतनी चिंता आपको विकास के, आप चुनाव कराओ ना पंचायत का चुनाव, किसने मना किया है? हम भाग लेंगे उसमें, हम भी चुनाव लड़ेंगे, सारी जनता उसमें चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर 3 लोगों को नेता बनाने के लिए आप चुनाव कराओगे, कानून के तहत या सड़क पे उतर करके जो भी विरोध करना होगा मैं करूंगा, क्योंकि इस बार मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं गोरखाओं को खड्डे में डालने का जो प्रयास हो रहा है, एटलीस्ट मैं सांसद रहते हुए, मैं जीवित रहते हुए ये काम मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, हालांकि मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूं, मुझे लगता है अब किसी भी समाधान के लिए जो देरी हो रही है ये भी उचित नहीं है। और मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूं, अच्छा हुआ हम सब सो रहे थे, अच्छा हुआ था पहाड़ के नेता बहुत सारे सो रहे थे, और आज एकाएक ममता दीदी के कारण सब लोग जग गए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में गोरखाओं का भविष्य उज्जवल है, सुनिश्चित मैं करूंगा। केंद्र सरकार भी तो कुछ नहीं कह रहा है अभी तक। देखिए ये बात आपकी ठीक है कि देरी हो रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन गोरखाओं की एक ही मांग है अलग राज्य गोरखाले, इतना सरल भी नहीं है। और आप ये भी जानते हो कि एक वार्ता स्टार्ट हो चुकी है, और ये सब फैसले एक वार्ता में नहीं होता, हमने स्टेट को भी पूरा अपॉर्चुनिटी दिया है, आगे भी उनको मिलेगा। मुझे लगता है उस वार्ता में भाग ले, और जहां तक जीतिए का सवाल है, जब 5 साल तक बगैर चुनाव के कभी चमचों को रख के कभी जो है एडमिनिस्ट्रेटर को रख के आप चला सकते हो, चला लो 3 महीने 6 महीने और, मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज चुनाव कराते हो तो इससे आने वाले समय में गोरखा जाति समाज और क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग हैं उनके भविष्य खतरे में जाती है, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, 2 जो मुद्दे हैं रोज उसका रिव्यू होता है। मैं आज आपके माध्यम से यही कह सकता हूं कि जो है केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है हमारी पूरी तैयारी है, हम चाहते हैं स्टेट अपनी बात रखे, रखती है ठीक है, नहीं रखती है हमें जो करना होगा हम करेंगे। आपको लगता है जीटीए गोरखालैंड के लिए बाधा है? देखिए जीटीए गोरखालैंड का बात, जीटीए भैया एक डब्बा है जो आप देखो जीटीए से क्या आप लोग कुछ नहीं देते उस टाइम तो जीटीए चलने से क्या? अच्छा, इसका मतलब मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो अन्याय हो रहा है मैं होने दूं? मैं इसलिए सांसद बना हूँ, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ? पहाड़ में डेवलपमेंट होने अच्छा बताओ, जीटीए 2011 से देखो, एक तो आप मीडिया हो, आप पुलिस वाले नहीं हो, आराम से पूछो मैं जवाब दूंगा। 2011 से 2022 10 साल क्या विकास हुआ बता दो, कोई 1 रुपए का विकास बता दो मुझे? हुआ है विकास तो दो दिखाओ, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आपने किसी टीचर को परमानेंट किया है आप जीतिए चुनाव लड़ो, आप विकास करो, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन न
ये हमारी एस्पिरेशन को पूरा करता है, ना हमारी सपनों को पूरा करता है, ना ये गोरखालैंड को पूरा करता है, ना इसके पास कोई पावर है, ना ये रूल बना सकता है, ना कानून बना सकता है, ना ये संवैधानिक है। ये गैर संवैधानिक संस्था है जो मतलब किसी एनजीओ से भी थर्ड क्लास पावर इसके पास है, ना इनके पास कोई पावर है। तो भैया कुल मिला के 45 सभासद को नौकरी मिलता है 5 साल के लिए, एग्जीक्यूटिव चेयर मेंबर और उनको चेयरमैन को नौकरी मिलती है। तो मतलब 60 लोगों की खुशी के लिए हम संपूर्ण समाज को बस खड्डे में डाल दे, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बताइए जीटीए को फंड कितना मिलता है और वो फंड जाता कहाँ है? इतना करप्शन होता है, इतनी धांधली होते है, हर चीज के लिए लोगों को नेता का पैर छूना पड़ता है, टीचर के लिए उसके पार्टी ज्वाइन करके उसके पीछे डंडा लेके घूमना पड़ता है। भैया ये भारत तो हम नहीं चाहते, ये जो है हम स्थिति तो दार्जिलिंग की नहीं चाहते। दार्जिलिंग के हिंदुस्तान का गर्व था, गर्व है, आने वाले समय में भी रहेगा। और ममता दीदी आप बुलडोजर चलाओगे, हम चलने नहीं देंगे, जो कर सकते हो जो उखाड़ सकते हो उखाड़ के देंगे। सर जी, 5 साल हालत यहाँ पहुंचने में सेंट्रल गवर्नमेंट का गलती नहीं है? देखिए मैं आपने बहुत जिम्मेदारी वाला प्रश्न पूछा है, हम सब केंद्र सरकार को दोष देते हैं। मैं इतना मानता हूं कि जो केंद्र सरकार ने करना था उसमें देरी हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये बताओ जीटीए चुनाव कराती है तो इसमें केंद्र सरकार कहां से दोष हुआ? 11 लोगों को मारने का काम राज्य सरकार करती है तो इसमें केंद्र सरकार दोष कहां हुआ? और ममता दीदी डिक्टेटरशिप करती है, इसमें केंद्र सरकार दोषी? भैया केंद्र सरकार के गृह मंत्री तो बारम्बार ये कह रहे हैं कि जीटीए चुनाव गोरखाओं का समाधान नहीं हो सकता। मुझे लगता है समझने वालों के लिए इशारा काफी, ना समझे मंदबुद्धि है, मैं उसका कुछ कर नहीं जिस प्रकार की स्थिति बन गई, जैसे विमल गुरुंग जी आज भूकर्ता के उत्तर से कल इधर में रैली है, जॉइंट रैली है, तो जिस प्रकार की स्थिति अभी बन रही, कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार की जिस तरह से देरी हो रहा है इसकी वजह से बाढ़ में ये सब। आई फुल्ली एग्री आपके सवाल का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए केंद्र सरकार या मैं जिस समाधान की बात कर रहा हूँ वो जीटीए नहीं है, या गोरखा वो जो पहले पुराना चलता था क्या ना काउंसिल नहीं है, ठीक है, हिल काउंसिल नहीं है, जीटीए नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ ठोस है कुछ बड़ा है, समय लगता है, पार्लियामेंट में पास होना है, कानून बनना है, खैर उस पर अभी मत जाइए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है ममता दीदी आप आइए, आप क्या दे सकते हो नहीं दे सकते आप बात रखिए, आप नहीं रखोगे तो भी हम तो करेंगे। लेकिन ये जीटीए ऐसा है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ, जीटीए चुनाव होता है, देखो जनता तो खुश नहीं है, एक दो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के कोई नहीं चाहता, आप बुलडोज करके चुनाव कराते हो। कल ममता दीदी ये कहना चाहती है कि दार्जिलिंग शांत है, अरे भैया तुमने शमशान घाट बना के रखा है, क्या खाट शांत है? मुझे लगता है ममता दीदी की चाल इतनी है, किसी तरह जीटीए चुनाव कराओ, अपने पक्ष के नेताओं को बिठाओ केंद्र को, और देश भर में ये कहो कि जो है जीटीए चुनाव के माध्यम से मैंने जीत लिया। और मैं फिर कहता हूं जैसे हिंदुस्तान के लिए जितना सेंसिटिव जम्मू कश्मीर है उतना ही सेंसिटिव हमारे लिए दार्जिलिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी, और बहुत सारी अन्य बातें हैं जो मैं आपके सामने शायद नहीं कह सकता, उन सब माध्यम मतलब चीजों की वजह से भी। सो हम सब की जिम्मेदारी, मैं इसलिए नहीं बकबक कर रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ गोरखा हूं, मैं इसलिए भी करता हूं कि एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है, एक सांसद होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे जाति के प्रति भी मेरा फर्ज है, मेरे देश के प्रति भी मेरा फर्ज है, मेरी पार्टी के प्रति भी मेरा फर्ज है, वो मैं निभा रहा हूं और निभाऊंगा। लेकिन जो अन्याय आपने किया अब नहीं चलेगा, हम नहीं सहेंगे, कहीं नहीं सहेंगे, ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। फिर भी इलेक्शन होगा तो बीजेपी पार्टिसिपेट करेगा? देखिए हम प्रयास करेंगे, अभी भी हमारे पास ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, बाकी अलायंस पॉलिटिकल पार्टी के साथियों के माध्यम से, मैं आज या कल स्वयं भी ममता दीदी को पत्र लिखूंगा। मैं चाहूंगा कि ये जो अन्याय एक बार दोबारा गोरखाओं पर होने वाला है इस पे रोक लगा दिया जाए, नहीं लगाती तो फिर क्या करना होगा हम करेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये एक सोची समझी साजिश है जो नाकाम होगी। और मैं तो एक बार अभी कार्यक्रम में भी मैं यही कह रहा था,
जो वातावरण बना है, जिस तरह की चीजें आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है ये हमारे लिए सुखद भी हो सकता है। हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं। मैं बहुत सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति हूँ, मैं इसलिए भी ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन ये अवसर के रूप में भी इस समय का हम उपयोग कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम जनता पॉलिटिकल पार्टी से यही कहना चाहता हूँ, आप अनशन करिए, आप कार्यक्रम करिए, लेकिन मतलब दार्जिलिंग का स्थिति और माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहनी चाहिए, शांति तरीके से हम जिस भी तरीके से विरोध कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, भारत के संविधान ने हमको विरोध करने का पूरा अधिकार दिया है, उसका भरपूर प्रयोग करें। एक बार आपने संसद में मतलब आवाज रखा था कि जीटी इलेक्शन नहीं हुआ है इतने साल से, उसमें भी आपने विरोध किया है, इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी विरोध कर रहा है। आप सब लोग मिले हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार है, मैं कई बार जो है ना आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे या तो ये लगता है आप लोग बिके हुए हो, या आप लोग नहीं समझना चाहते। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, दो चार लोग हैं आप भी जानते हो, उनको प्रश्न ही ऐसे करते, अरे भैया मेरा वक्तव्य उठा के देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ कि इतने साल से आपने जीटीए का चुनाव नहीं कराया, इतने साल से आपने पंचायत नहीं कराया, मैं वो तथ्य रख रहा हूँ जिससे गोरखालैंड का मार्ग प्रशस्त हो, आप समझते क्यों नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ जीटीए का चुनाव नहीं, पंचायत का चुनाव नहीं, और कोई व्यवस्था नहीं, तो मार्ग प्रशस्त हो गोरखालैंड के लेकर के मैं इसलिए उठाता हूँ। आप ये कहते हो चुनाव नहीं हुआ, तो मैं चुनाव करा झूठे बोला मैंने, कभी कहा है क्या? नहीं कहा है। तो मुझे लगता है हमको ये समझने की आवश्यकता है। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आपका बड़ा योगदान है, आने वाले दिनों में तेजी से हर दिन गतिविधियां बदलेंगी, मीडिया का मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। देखिए आपकी भी उतनी कर्तव्य बनती है अपने समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, जितने नेताओं की है। और मुझे लगता है हम सबको जो सही बात है वही जनता के सामने रखना चाहिए, और ये झूठ की राजनीति जो चल रही है ये बंद होना चाहिए। देखिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, कल मान लो अनिल थापा जी अनशन पर बैठ जाते हैं, जीटीए का विरोध करता हूँ, मैं उनको खड़ा रहना नहीं चाहूंगा। मेरी लड़ाई अनिल थापा विमल गुरु या अजय जी से नहीं है, मेरी लड़ाई पश्चिम बंगाल की सरकार की हमारे खिलाफ गलत नीतियों से है। पश्चिम बंगाल के लोगों से लड़ाई नहीं है, पश्चिम बंगाल की सरकार से भी नहीं है, उनकी गलत नीतियों के ऊपर मेरा जो है उसमें मेरा मत अलग है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दार्जिलिंग से जो प्रेम करता है, दार्जिलिंग से जो लगाव रखता है, तराई डुवर्स से जो प्रेम करता है, उसके पक्ष में अगर कोई आदमी अनशन पर बैठता है, मेरी सहानुभूति भी है, मेरा सहयोग भी है, मैं उसको खदा पहनाने भी जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं।